दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका फैंटेसी प्लेइंग 11 के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने देखा कि विश्व चैंपियन भारतीय टीम के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। बारबाडोस की धरती पर दक्षिण अफ्रीका को T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में हराकर रोहित ब्रिगेड ने तिरंगा लहराया था। गुरुवार को भारतीय टीम की वतन में वापसी हुई थी। इस ऐतिहासिक जीत के जश्न में नई दिल्ली से टीम इंडिया मुंबई पहुंची, जहां सड़कों पर लाखों फैंस जुटे थे और सभी एक स्वर पर चिल्ला रहे थे, इंडिया इंडिया। मरीन ड्राइव खचाखच भरा हुआ था। इससे पहले ये नजारा 1983, 2007 और 2011 में देखने को मिला था, लेकिन साल 2024 में फैंस का क्रेज क्रिकेट को लेकर और भी ज्यादा बढ़ चुका है। चैंपियन का अद्भुत, अतुलनीय और अविश्वसनीय स्वागत देखा गया। बता दें कि तेज बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद फैंस के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी। मुंबई का राजा रोहित शर्मा, रन मशीन विराट कोहली के जयकारे पूरे देश में गूंज उठे। भारतीय टीम ने ओपन बस परेड की शुरुआत मुंबई के मरीन पॉइंट से की, जो वानखेड़े स्टेडियम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद टीम इंडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश किया, जहां हार्दिक पांड्या ने बीच मैदान पर ट्रॉफी को हाथ में उठाकर फैंस की ओर लहराया। वहीं बता दी कि रोहित शर्मा विराट कोहली का जो डांस है, भारतीय फैंस देखकर खूब इंजॉय किए। वह नजारा क्या शानदार नजारा था। पूरा रोड खचाखच भरा था, स्टेडियम भरा था और इस बीच वानखेड़े में राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि ये ट्रॉफी पूरे देश के लिए है, ये एक स्पेशल टीम है और मैं इसका नेतृत्व करने के लिए भाग्यशाली हूँ। इस दौरान रोहित के लिए भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। पूरे स्टेडियम में मौजूद लोग रोहित शर्मा के लिए खड़े हो गए। हार्दिक पांड्या के लिए भी भीड़ ने हार्दिक हार्दिक के नारे लगाए। इस बीच बीसीसीआई ने वानखेड़े स्टेडियम में विजेताओं को सम्मानित करते हुए इनाम के तौर पर 125 करोड़ रुपए की एक बड़ी और मोटी राशि दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने भीड़ के साथ वंदे मातरम का गायन भी किया। इस बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली का साथ में डांस करना दर्शकों के लिए काफी शानदार अनुभव था। 29 जून 2024 के दिन टीम इंडिया ने सिर्फ एक मैच, एक टूर्नामेंट या ट्रॉफी नहीं जीती थी, बल्कि यकीनन करोड़ों भारतीयों का 11 साल का लंबा इंतजार खत्म किया। खैर, बताते चले कि मुंबई में आने से पहले दिल्ली में पहुंची थी टीम इंडिया, जहां टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। तो दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए यह दिन ऐतिहासिक रह जाएगा। जिस तरह से फैंस का मनोबल देखने को मिला, जिस तरह से फैंस का उत्साह देखने को मिला, बारिश के बाद भी फैंस सड़कों पर डटे रहे और अपने स्टार, अपने हीरो, T20 वर्ल्ड कप 2024 के हीरोज का इंतजार करते रहे, उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहे। खैर, आप में से कौन था उस भीड़ की हिस्सा में शामिल, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।